14 मार्च में होने वाला है कुछ बड़ा। बृहस्पति के घर में सूर्य की एंट्री और राहु बना देंगे ग्रहण योग। जाने कैसा होगा आपकी राशि पर इसका असर। दोस्तों, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका हार्दिक स्वागत है। 14 मार्च से कुछ बड़ा होने वाला है और ज्योतिष की दुनिया में बहुत सारी उथल पुथल होने वाली है और इस सारी उथल पुथल का जो असर है वो पूरा एक महीना रहने वाला है। कई राशियों की लव लाइफ प्रभावित होगी, कई राशियों का कैरियर प्रभावित होगा, कुछ राशि वालों को कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा झटका भी लग सकता है, लेकिन कुछ राशि वालों के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे, कुछ राशि वालों के अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, कुछ राशि वालों को बिजनेस में जबरदस्त कामयाबी मिलेगी और कुछ राशि वालों की विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। और ये सारी परिस्थितियां जो है ये बनेगी सूर्य के राशि परिवर्तन से। सूर्य जो ग्रहों के राजा है वो 14 मार्च को शनि की कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में आ जाएंगे और एक महीना यहां रहेंगे। मीन राशि सूर्य की मित्र राशि है और बुध ग्रह भी यहां मौजूद होंगे, तो सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनेगा और यह योग ज्योतिष में बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत ही मायने रखता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मीन राशि में राहु भी बैठे हैं और पिछले 5 महीने से बैठे हैं, अभी 13 महीने और वह मीन राशि में बैठे रहने वाले हैं। राहु एक पापी ग्रह है, मायावी ग्रह है, शैडो ग्रह है और सूर्य के साथ उनकी शत्रुता है। राहु सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। 14 मार्च को जब सूर्य मीन राशि में आएंगे तो एक तरफ अपने दोस्त बुध के साथ उनका कॉम्बिनेशन बनेगा और दूसरी तरफ अपने घोर शत्रु राहु के साथ उनका आमना सामना होगा, इससे ग्रहण दोष बन जाएगा। 14 मार्च से 13 अप्रैल तक सूर्य और राहु का ये ग्रहण दोष बना रहेगा। 18 साल के बाद दोस्तों मीन राशि में राहु और सूर्य एक साथ आ रहे हैं, इसलिए ज्योतिष की दुनिया में काफी बड़ी हलचल होना स्वाभाविक है। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, संसार की आत्मा के प्रतीक हैं, ऊर्जा का पावर हाउस हैं और ज्योतिष में इन्हें पिता का दर्जा दिया गया है। जबकि राहु मायावी ग्रह हैं, पापी ग्रह हैं, तलस्मी ग्रह हैं, शैडो ग्रह हैं और इन दोनों ग्रहों की आपस में गहरी दुश्मनी है और जब दोनों ग्रहों की युति होती है तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी प्रभावित होती है। और इस समय में यानी 14 मार्च से 13 अप्रैल के बीच में जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी कुंडली में ग्रहण दोष बना होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है सफलता उनके कदम चूमती है और वो कैरियर में नए शिखर तक पहुंचते हैं। अप्रैल महीने में सूर्य पृथ्वी के निकट पहुंच जाते हैं और अपनी उच्च स्थिति को प्राप्त करते हैं, यानी अपनी उच्च मेष राशि में आ जाते हैं और बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। लेकिन अक्टूबर के महीने में सूर्य पृथ्वी से दूर जाकर नीच अवस्था में पहुंच जाते हैं और उनके शुभ फलों में कमी आ जाती है। 14 मार्च को सूर्य का राशि परिवर्तन जहां कुछ राशियों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है, क्योंकि सूर्य और बुध की युति से बनने वाला बुधादित्य योग कई राशियों को जबरदस्त सफलता देगा, वहीं सूर्य और राहु की युति से बनने वाला ग्रहण दोष कुछ राशियों को झटका भी देगा। आज की पोस्ट इसी विषय पर है, इसी विषय पर चर्चा करूंगा, इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन राशियों की बात करने जा रहा हूं जिनके लिए सूर्य का ये गोचर काफी अच्छा रहने वाला है और उनमें पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है। सूर्य का मीन राशि में गोचर वृषभ राशि वालों को जबरदस्त कामयाबी देगा, आपके कई अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, लव लाइफ बेहतर होगी, नौकरी में खुशखबरी मिलेगी, प्रमोशन का योग बनेगा, पसंदीदा जगह पर तबादले के योग भी बन सकते हैं, कैरियर रफ्तार पकड़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है, जीवन में सुख सुविधा बनी रहेगी और सूर्य का गोचर आपके रिश्तों को मजबूत करेगा। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है जो बुध की राशि है और राहु की ये उच्च राशि है। बुध तथा सूर्य एक साथ मिलकर मिथुन राशि वालों को जबरदस्त फायदा देंगे, यानी मिथुन राशि वालों पर पापी ग्रह राहु की कृपा तो बनी ही रहेगी, बुध और सूर्य भी मिथुन राशि वालों के भाग्य को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, भाग्य का साथ मिलने वाला है। अगर नौकरी पेशा है तो जीवन में कुछ बड़ा पद हासिल करने में आप कामयाब हो सकते हैं, पार्टनर के साथ आपके रिश्ते और प्रगाढ़ होंगे और कैरियर में आप
ऊंची उड़ान भरते हुए दिखाई देंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। सूर्य का गोचर कन्या राशि वालों को अप्रत्याशित तरीके से लाभ प्राप्त करेगा। मजबूत स्थिति में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। नौकरी में आप काफी स्टेबिलिटी स्थिरता महसूस करेंगे। विदेश जाने के आपको मौके मिलेंगे और आप बचत करने में भी कामयाब रहेंगे। रिश्तों में मजबूती का एहसास करेंगे। और चौथी भाग्यशाली राशि धनु राशि है। धनु राशि वाले अपने परिवार या छोटे भाई बहनों के साथ कहीं तीर्थ यात्रा पर जाने की योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर काफी फायदा लेकर आएगा। सूर्य की दृष्टि आपकी बचत में बढ़ोतरी का शुभ संकेत दे रही है। इनकम में बढ़ोतरी होगी। धनु राशि वाले जो भी काम शुरू करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन के योग बन रहे हैं। बिजनेस में तरक्की होगी। आप अपने कारोबार का विस्तार कर पाएंगे। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए सूर्य का यह गोचर बहुत शुभ रहने वाला है। अब मैं उन राशियों का जिक्र करूंगा जिन्हें सूर्य और राहु के इस ग्रहण योग के दौरान 14 मार्च से 13 अप्रैल तक की अवधि में थोड़ा अलर्ट रहना होगा, क्योंकि हो सकता है आपको मन चाहे नतीजे ना मिले। बनते हुए काम में थोड़ा व्यवधान आ सकते हैं और खर्चे बढ़ सकते हैं। कई तरह के आरोपों का सामना भी करना पड़ सकता है। और ऐसी राशियां कौन सी हैं जिन्हें सतर्क रहना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि वालों को थोड़ा अपना हेल्थ पक्ष का, स्वास्थ्य पक्ष का ख्याल रखना होगा। और मीन राशि में सूर्य राहु की युति से आपके अननेसेसरी आपके एक्सपेंडिचर बढ़ सकते हैं। जिन पर नियंत्रण रखना बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कर्ज लेने की स्थिति आ सकती है। महत्वपूर्ण व्यापारिक सौदे आपके सामने आएंगे, लेकिन आपने बहुत सोच विचार करके उनका चयन करना है। अगर मैरिड लाइफ की बात करें तो जीवन साथी के साथ थोड़ा सा अनमन होने की आशंका बनेगी और आपने अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। उसके बाद है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए मीन राशि में सूर्य और राहु की जो युति है ये को बहुत पॉजिटिव नतीजे लाती नहीं दिख रही। विरोधियों से आपको चुनौती मिल सकती है। कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आप खुद को ऐसी स्थितियों में महसूस कर सकते हैं जहां विरोधियों का पलड़ा भारी महसूस करेंगे, लेकिन आपको अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। अन्यथा आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ प्रभावित हो सकती है, आपके कार्य में बाधा आ सकती है, लेकिन ये स्थिति कुछ दिनों के लिए ही है और उसके बाद तुला राशि वाले फिर से तेजी से आगे बढ़ेंगे। और सूर्य और राहु की ये युति जिस और राशि को सतर्क रहना है वो कुंभ राशि है। उस पर 7.5 भी चल रही है। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य और राहु की युति थोड़ा एडवर्स आपके लिए सिचुएशन पैदा कर सकती है। आपको थोड़ा फाइनेंशियल तौर पर भी आपको थोड़ा डीरेल कर सकती है। अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। आपको थोड़ा अलर्ट रहना होगा, फजूल खर्ची से बचना होगा और अपने कार्यस्थल पर अपने अधिकारियों और जो आपके सहकर्मी हैं, कुलीग हैं, उनके साथ थोड़ा गुडविल आपको रखनी होगी। थोड़ा तलखी के अंदाज में पेश नहीं आना होगा, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। और अंतिम राशि मीन राशि, जिसमें ये युति बन रही है सूर्य और राहु की, और आपको थोड़ा धन संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वाद विवाद से आपको दूर रहना होगा, अन्यथा कोई कानूनी मामले में भी आप थोड़ा उलझ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी एक्सपर्ट की राय आप जरूर ले लें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। और अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा, वाहन सावधानी से चलाना होगा और आपको सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में और बिजनेस में थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।